subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं नीरव मोदी की। जी हां, पीएनबी में 11,000 से ज्यादा, आपको बता दूं कि 11,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का घोटाला करने वाले मोदी इन दिनों फरार है। जी हां, नीरव मोदी ने इतना बड़ा घोटाला किया है और हैरानी वाली बात तो यह कि अब वो देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। वाकई में कहीं ना कहीं जिस तरह का ये मामला देखने को मिला है, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अगर बात करूं विजय माल्या की, तो विजय माल्या ने भी कुछ ऐसा ही किया था। और बात करूं जिस तरह से देश में स्थिति हो गई है कि बैंक से जो है लोन लेते हैं और उसके बाद इस तरह जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से नीरव मोदी ने इतना बड़ा घाटा किए जो किया है, बैंक का करवाया है, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो नीरव मोदी हैं, आखिरकार जो उनका परिवार है, वो परिवार क्या करता था और किस तरह से उनका गुजर बसर चलता था। जी हां, मेरे पास कुछ रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से गुजरात के किराए के मकान में रहकर पापड़ बेचता था नीरव मोदी का परिवार। जी हाँ, किस तरह की उनकी स्थिति थी और अब जो स्थिति है वो अलग है। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बता देता हूं जो मेरे पास रिपोर्ट है। देखिए, करीब 12,000 करोड़ लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी का परिवार गुजरात के पालनपुर का रहने वाला है। नीरव के पिता पीयूष काफी पहले ही परिवार के साथ बेल्जियम में बस गए। कुछ अगर रिपोर्ट्स की माने तो नीरव के दादा पालनपुर में ही किराए के मकान में रहते थे और दादी पापड़ बेचा करती थी। नीरव का भाई निशाल बेल्जियम का नागरिक है। नीरव की पत्नी एमी के पास अमेरिका की नागरिकता है। पंजाब नेशनल बैंक में करीब 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले का जो मामला सामने आया है, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है। सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर क्षेत्र के बैंक द्वारा खुद इस घोटाले का खुलासा किया गया है। इस घोटाले का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी है। तो देखिए, इनकी जो हमने बैकग्राउंड आपको बताई और किस तरह से, देखिए उनके मकान में किस तरह जो है पालनपुर में जो है किराए के मकान में रहते थे और पापड़ जो है बेचा करते थे उनकी दादी। तो जिस तरह से देखिए उनकी दादी पापड़ बेचा करती थी और जिस तरह की उनकी बैकग्राउंड थी और उसके बाद जिस तरह से नीरव मोदी उभर कर आए और अचानक से ये जो घोटाला सामने आ गया, कहीं ना कहीं देखिए ये साफ संकेत है कि जिस तरह से नीरव मोदी ने फ्रॉड किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है अलग इसकी एक कहानी बन गई है, ये अलग रूप ले चुका है। और जिस तरह से अगर बात करूँ नीरव मोदी की, तो देखिए नीरव मोदी के जो पिता है, अगर उनके पिता पीयूष काफी पहले ही परिवार के साथ बेल्जियम में बस गए। अगर रिपोर्ट्स की माने तो नीरव के दादा पालनपुर में ही किराए के मकान में रहते थे और दादी पापड़ बेचा करती थी। देखिए नीरव के पिताजी जो है वो पहले ही जो है सब कुछ छोड़कर बेल्जियम में बस गए और अपने उनके जो कह सकते हैं कि नीरव के दादा गुजरात के पालनपुर में ही एक किराए के मकान में रहते थे और वहां पर गुजर बसर करते थे पापड़ बेचकर। तो कहीं ना कहीं ये इस और दर्शाता है कि किस तरह से उनके दादा दादी जो है पापड़ बेचते थे और कहीं ना कहीं जो है बहुत उनकी स्थिति दयनीय थी। देखिए आपको मैं बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दावोस में नामी भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों के समूह के साथ फोटो में शामिल भी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन की इस तस्वीर को 23 जनवरी प्रेस यानी कि इसको जारी किया गया था। इसके 6 दिन बाद ही पंजाब नेशनल बैंक ने उनके खिलाफ पहली शिकायत की। अधिकारियों के अनुसार एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 31 जनवरी को FIR दर्ज की। उसने मुंबई व सूरत में 20 स्थानों पर तलाशी ली। 4 फरवरी को नीरव मोदी तथा 3 आरोपियों के खिलाफ
लुकआउट नोटिस जारी किया था। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 11,400 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच तेज कर दी है। 280 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में छापेमारी भी की और 5,100 करोड़ रुपए के हीरे सोने के आभूषण जब्त किए हैं। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं कि सीबीआई ने नीरव मोदी को लेकर किस तरह से 31 जनवरी को मामला दर्ज कर लिया। तो क्या मामला था? नीरव मोदी 2013 से ही धनी व चर्चित भारतीयों की सूची में है, लगातार आते रहे। सीबीआई ने नीरव, उनकी पत्नी, भाई व कारोबार भागीदारी चौकसी के खिलाफ 31 जनवरी को मामला दर्ज किया था। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक से कथित रूप से 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है। बैंक ने पहले ही शिकायत पर सीबीआई से संपर्क कर कहा कि यह मामला 11,400 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का है। अधिकारियों के अनुसार इस सवाल की भी पड़ताल की जा रही कि पीएनबी ने सीबीआई को शिकायत में सारी जानकारी न देकर या किस्तों में देने का फैसला क्यों किया। तो देखा आपने कि सीबीआई ने पहले से ही जो है मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सीबीआई ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था। और हैरानी वाली बात तो है कि जब इस बात की भनक नीरव मोदी को पहले ही लग गई थी और उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि अब वो सीबीआई के सिकंजे में आने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ हो सकती है, और इसीलिए वक्त रहते वो स्विट्जरलैंड चले गए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं सरकार की, अगर मैं बात करता हूँ तो सरकार की भी लापरवाही देखने को मिलती है कि जिस तरह से सरकार ने भी इस मामले पर कोई ठोस जो है कदम नहीं उठाया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी के साथ बाकायदा एक तस्वीर भी है नीरव मोदी की, और जिस तरह से कई जो है कारोबारी उस वक्त उस दौरान मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी और नीरव मोदी का खास कनेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ जरूर है। और इस तस्वीर से जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से स्पष्ट भी हो गया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पीएनबी को 16 जनवरी को शक हुआ था और किस तरह से पीएनबी को शक हुआ। बैंक को इस मामले में संदेह 16 जनवरी को हुआ, जबकि आरोपी कंपनी डायमंड आर यूएस सोलर एक्सपोर्ट्स व स्टेलर डायमंड ने आयात दस्तावेजों के साथ उससे संपर्क किया और गारंटी पत्र जारी करने का आग्रह किया। बैंक को इस मामले में संदेह 16 जनवरी को हुआ, जबकि आरोपी डायमंड आर यूएस सोलर एक्सपोर्ट्स व स्टेलर डायमंड ने आयात दस्तावेजों के साथ उससे संपर्क किया और गारंटी पत्र जारी करने का आग्रह किया ताकि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर सके। एफआईआर के अनुसार बैंक को पहले की कोई जानकारी अपनी प्रणाली में नहीं मिली। अधिकारियों के अनुसार पीएनबी ने 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बारे में 29 जनवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को शिकायत की थी। आपको बता दें कि सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी को लेकर इस समय सुर्खियों में चल रहा नीरव मोदी बैंक की ओर से इस मामले में शिकायत मिलने से काफी दिन पहले गत 1 जनवरी को ही देश से बाहर चला गया था। उन्होंने कहा कि नीरव का भाई निशाल बेल्जियम का नागरिक है, वह भी 1 जनवरी को भारत छोड़ गया। हालांकि वे दोनों साथ गए थे या अलग, इसकी जांच अभी की जानी है। नीरव की पत्नी और अमेरिकी नागरिक एमी 6 जनवरी को यहां से निकल गई। उसके चाचा तथा गीतांजलि ज्वेलरी के प्रवर्तक मेहुल चौकसी 4 जनवरी को देश छोड़कर चले गए। तो देखा आपने कि किस तरह से पीएनबी को शक हुआ था उन पर, और जब तक वो शक और गहराता तब तक जो नीरव मोदी हैं वो पहले ही देश छोड़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं देखिए विजय माल्या है, नीरव मोदी हैं, और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं इस तरह से चूना लगाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है ये सरकार की लापरवाही देखने को मिलती है कि सरकार कुछ भी नहीं कर पाती है। तो बड़ी बात तो है कि अगर पहले ही जो है जब पीएनबी को जब शक हुआ था, और लेकिन उससे पहले ही नीरव मोदी को क्यों किस तरह से सूचना मिल गई इस बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी के साथ नीरव मोदी की तस्वीर है उससे वो तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। और कहीं ना कहीं देखिए अगर बात करूँ तो बहुत से जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं
वो कहीं ना कहीं अब इस मामले को तूल दे रहे हैं और निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी पर कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो है लापरवाही बरती और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका कुछ खास कनेक्शन है नीरव मोदी का, इसको लेकर भी जो है विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। तो वाकई में अब पीएम मोदी जो है घिर चुके हैं इस मामले पर और कहीं ना कहीं देखिए जनता भी अब सब कुछ समझ रही है, क्योंकि जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि नीरव मोदी जिस तरह से देखने को मिला कि अचानक से वो भाग गए और जिस तरह का उन्होंने घोटाला किया, तो ये सब चीज़ें इस और इशारा भी करती हैं कि कहीं ना कहीं नीरव मोदी को पहले से ही जो है जानकारी हो गई थी और जिस तरह से उन्होंने अचानक से कदम लिया और वो देश से बाहर चले गए, लेकिन वो देश में कब क्यों आएंगे, किस तरह से आएंगे, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि देखिए अगर बात करूँ जनता की तो जनता भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ समझ रही है, जिस तरह से पहले विजय माल्या हो गए और अब नीरव मोदी हो गए और सरकार के कह सकते हैं कि सरकार के अंडर में ही इस तरह का जो है इतना बड़ा कदम उठ जाता है, तो वाकई में ये सब चीज़ें ईश्वर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने लापरवाही बरती थी और कहीं ना कहीं जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला किया गया इस मामले की भी सही ढंग से जांच नहीं हो पाई थी। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।